पुलिस ने किया लकड़ी व्यापारी से हुई 6 लाख की लूट का खुलासा। 3 लुटेरे गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। आपको बता दें, बरेली में थाना बितरी चैनपुर पुलिस ने 23 नवंबर को लकड़ी व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा कर 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में SSP अखिलेश चौरसिया ने बताया, 23 नवंबर की सुबह 7:30 बजे उड़ला जागीर गांव के पास रोहिला स्कूल के सामने एक लकड़ी व्यापारी गिरीश शर्मा निवासी नरियावल अपने लेबर को बांटने के लिए बुलेट मोटरसाइकिल की टंकी पर रखकर 2 थैलों में रुपए थे। 1 थैले में 6 लाख थे, दूसरे थैले में 1 लाख रुपए लेकर जा रहे थे। 4 लुटेरों ने उन्हें रोक कर 6 लाख रुपए वाला थैला लूट लिया, जिसकी रिपोर्ट थाना बितरी चैनपुर में दर्ज की गई थी। SSP और SP सिटी के निर्देशन में थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह, उप निरीक्षक राम अवतार सिंह, उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक राम नरेश सिंह, हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, कांस्टेबल बिजल मलिक, इंस्पेक्टर राम गोपाल शर्मा, SOG प्रभारी सुनील कुमार शर्मा, संजय सिंह, शकील खान, मोहित शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने 3 लुटेरों अरसद खां पुत्र नत्थू का निवासी उरला जागीर, कलीम पुत्र नन्ने खां दतिया निवासी मोहम्मद, आदिल पुत्र मोमिन खान निवासी धंतिया को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूटी हुई रकम 3,95,000 और तमंचे बरामद किए हैं तथा बिना नंबर प्लेट की काली सफेद यामा मोटरसाइकिल और लूट में प्रयोग बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की है। SSP अखिलेश ने बताया कि अरसद और आदिल आपस में साले बनोई और कलीम का रिश्तेदार है। चौथा अभियुक्त रहमत का रहने वाला जो फरार चल रहा है। अरसद ने लूट की योजना बनाई गई थी और मालूम था कि गिरीश रोजाना लेकर अपने को बांटने जाते हैं और उन्हें तरीके से लूट का अंजाम दिया। पकड़े गए 3 लुटेरों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है और शीघ्र चौथे अभियुक्त रहमत को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये थाना बितरी चैनपुर में 23 नवंबर को एक प्लाईवुड कंपनी के जो लकड़ी सप्लाई करता था एजेंट गिरीश शर्मा, वो अपने घर से 7 लाख रुपए 2 बैग में लेके जा रहा था। उसमें 2 अज्ञात लुटेरों द्वारा मोटरसाइकिल में चलती मोटरसाइकिल से बैग छीन के ले गए थे, जिसमें 6 लाख रुपए थे। तो उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके मुआयना किया गया। आज बिथी चैनपुर की थाने की टीम और हमारी SOG टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 1 अभी वांटेड है और 6 लाख में से 3,95,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इनके पास से अवैध तमंचे भी बरामद हुए हैं और मोबाइल जो घटना में प्रयोग किया गया था वो सब बरामद किया गया है। इसमें पूरी घटना के तार से तार जुड़े हैं और जो अभी एक अभियुक्त जो फरार है उस पर मेरे द्वारा 25,000 रुपये इनाम भी रखा गया है और जिस टीम ने इसका खुलासा किया है उसको भी मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम नकद पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। साले बहनोई हैं सर, आपस में क्या रिश्ता है इनका? इसमें 2 साले बहनोई हैं जिनके खिलाफ 498A का मुकदमा भी दर्ज है और एक उसी गांव का था और एक जो फतेहगंज पश्चिमी के गांव का है उसकी वहां ससुराल पड़ती थी। तो इसी तरह ये लोग आपस में एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आए और इसमें घटना में 2 मोटरसाइकिलें यूज हुई। उसमें जिस मोटरसाइकिल से यूज किया गया वो तो यामाहा MT थी, लेकिन एक बुलेट भी थी जिसपे 2 लोग थे जो लोग रेकी कर रहे थे, जो उनको पल पल की सूचना दे रहे थे कि अब वो मतलब कि वादी यहाँ से निकला, अब उसके पास कितने पैसे हैं। तो इसमें 2 मोटरसाइकिलें जो घटना में प्रयुक्त हुई वो भी बरामद करी गई। यामा बहुत दिन बाद यामा को घटना में इस्तेमाल किया, क्योंकि पहले इस्तेमाल तो कहां से आईडिया आया कि यामा को इस्तेमाल किया जाए? अभी जो हमारी प्रारंभिक जांच हुई उसमें पता चला कि ये जो यामा MT यूज की गई है ये भी गाजियाबाद से शायद चोरी किए, अभी उनसे संपर्क करके पूरी घटना की जानकारी ली जाएगी। नहीं, इस घटना का अंजाम देने का उद्देश्य तो इनका यही था कि इनको पैसों की जरूरत थी तो ये चाहते थे कि किसी तरह भी लूट करके या ऐसे करके पैसे लें। सर, इज्जत नगर थाने में